दुनिया के सबसे बड़े 6 पाप जो भगवान बुद्ध ने बताए। 6 सबसे ऊंचे दर्जे के अपराध बताए बुद्ध के समय में बुद्ध ने। उन 6 अपराधों की जो सजा है वो बहुत भयंकर है, जो मनुष्य अपने पूरे जीवन में झेलता है। उसको अविची नरक भी बोलते हैं। अविची का मतलब है बहुत गहरा दुख, बहुत गहरी वेदनाएं जो शरीर से निकलती नहीं है और काफी दिनों तक वो चलती हैं, कई कई जन्मों तक भी चलती हैं और बड़ी तीव्र होती हैं। ठीक ऐसे जैसे पेट में दर्द होता है तो वो तीव्रता की वेदनाएं होती हैं। अगर वो ऐसा हो जाए, पड़ जाए, या किसी को सर में दर्द होना शुरू हो जाए और वो रुके ही ना, तो इसको अविची नरक वाली अवस्था बोलते हैं। ये 6 जो कारण हैं या 6 जो दंड हैं किस लिए मिलते हैं कि अगर आप अपने माता की हत्या कर दें या अपने पिता की हत्या कर दें तो आपको अविची नरक में जाना पड़ेगा, या आप अपने किसी जो धम्म हैं, अर्थ हैं, गुरु हैं, उनकी हत्या कर दें, या बुद्धघात कर दें यानी किसी बुद्ध को मारें या बुद्ध पे कोई हमला करें। 4 प्रकार से ये माता, पिता, अर्थ और बुद्ध हुए। और 2 प्रकार से इसमें आता है कि आप या तो संघ में भेद कर दें। संघ भेद का मतलब है जो भगवान भिक्कू का जो संघ है वो, या जो अच्छे लोगों का संघ है उसको तोड़फोड़ कर दें, उसमें मतभेद पैसा कर दें, उसको अलग अलग कर दें, उसको जातियों में तोड़ दें, उसको वर्ग में तोड़ दें, उसको कास्ट में तोड़ दें, उसको धर्म में तोड़ दें, उसको ऊंच नीच में तोड़ दें, उसको गरीब अमीर में तोड़ दें और उस जहर को फैलाते रहें। तो अगर आप किसी अच्छे संघ भेद में करते हैं, संघों को तोड़ते हैं, लोगों के समूह को तोड़ते हैं, तो उसका अविची नरक में स्थान होता है। आपको अभी भले ही ना लगे मगर वो आपकी पीढ़ियों तक आपके साथ रहेगा। और जो छठा होता है अगर मिथ्या आचार्यों पर, जो आचार्य ऐसे होते हैं जो झूठे होते हैं, उन पर अगर आप यकीन करें, यानी कि कोई व्यक्ति जो आपको ऐसी जानकारी दे रहा है जो झूठी है, जो मिथ्या की है, जो पाप वाली है, अगर वो आपको हत्या, झूठ बोलना, लूटपाट, झगड़ा, शराब, अफीम, चरस, गांजा या सुल्फा, या किसी का पैसा लेना, मारना, या फ्री का खाना, फ्री का पहनना, या बिना किसी को धम्म दान दिए हुए उससे भिक्षा लेना, खाना, अगर इस तरह का कोई झूठा आचार्य है, पढ़ाने वाला है या ज्ञान देने वाला है और उस पर आप यकीन करते हैं, तो वो भी आपको अविची नरक में लेके जाता है। ये 6 प्रकार के उच्च जो स्थान वाले दोष होते हैं, इनको करने से आदमी अविची नरक में जाता है, जहां सबसे ज्यादा तीव्रता का दुख उसे प्राप्त होता है, जीते जी भी और जीने के बाद भी काफी समय लगता है, काफी जन्म लेने पड़ते हैं उस दुख से मुक्त पाने के लिए। धन्यवाद। Time.